हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जिस सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल काफ़ी ब्रांचेज में कॉमन सब्जेक्ट्स है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल में एग्जाम पैटर्न क्या होता है और जो हमारे इंटरनल और फाइनल एग्जाम होते हैं उनमें सिलेबस कितना कितना आता है। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह कंप्यूटर फंडामेंटल में भी आपके तीन ही टेस्ट होंगे, दो आपके इंटरनल टेस्ट होंगे और एक फाइनल। इंटरनल में आपका 20-20% सिलेबस दोनों में कवर करवाया जाएगा। जो फर्स्ट इंटरनल आपका होगा एग्जाम, उसमें आपकी यूनिट नंबर 1 तक कवर की जाएगी, और जो आपका सेकंड इंटरनल एग्जाम होगा उसमें आपकी जो यूनिट नंबर 2 है उसमें 2.1 से लेके 2.11 तक के जो टॉपिक हैं वो सारे आपके सेकंड इंटरनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो बची हुई यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 2 का टॉपिक 2.12 से लेकर 2.23, इसके अलावा यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, ये आपके फाइनल एग्जाम जो आपका 60 मार्क्स का होगा लास्ट में ईयर एंड में, उसमें आपको पूछे जाएंगे। पास परसेंटेज और पास होने का जो क्राइटेरिया है वो सेम है जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में है, कि इसमें भी जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मींस इंटरनल और फाइनल मिला के जो 100 मार्क्स बनते हैं उन दोनों में कंबाइनली 40 नंबर लेने हैं पास होने के लिए। ये आपकी कंडीशन एक, और कंडीशन दो है कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा 60 नंबर का उसमें कम से कम 15 लेने हैं। तो अगर आपके फाइनल एग्जाम में 15 आ जाते हैं और दोनों में मिला के इंटरनल और फाइनल मिला के 40 या 40 से ऊपर आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज आपका रीअपियर आ सकता है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट इंटरनल में क्या आएगा, सेकंड इंटरनल में कहां से कहां तक आएंगी और फाइनल एग्जाम में कौन कौन सी यूनिट्स आएंगी। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इसके सिलेबस को भी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि इसमें यूनिट नंबर 1 में क्या आपको कवर करना है, 2 में क्या करना है, 3 में करना है और 4 में क्या करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर इसका डिटेल्ड कंटेंट्स दिख रहा है, डिटेल्ड सिलेबस, जो आपका फर्स्ट इंटरनल एग्जाम होगा उसमें जो यूनिट नंबर 1 है आपकी वो कवर करवाई जाएगी, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आपको पूरा पता होना चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, उसके वेरियस पार्ट्स क्या होते हैं, उनके वेरियस फंक्शंस क्या होते हैं, कि सीपीयू के क्या फंक्शंस होते हैं, उसके फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू कौन कौन से हैं, देन मेमोरी, टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, रेलिवेंस ऑफ स्पीड एंड वर्ड लेंथ एंड करंट फैमिली ऑफ सीपीयूज यूज्ड इन कंप्यूटर, की आजकल कंप्यूटर में कौन कौन से हम सीपीयू यूज कर रहे हैं, एंड देन वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश मेमोरी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसर, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम फॉर यूज इन डिजिटल कंप्यूटर। तो ये सारे जो टॉपिक है, टॉपिक 1.12, 1.13, ये आपके फर्स्ट इंटरनल जो आपका होगा एग्जाम उसमें कवर किए जाएंगे। इन सभी टॉपिक से उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको फर्स्ट इंटरनल तक ये यूनिट नंबर 1 पूरी कवर करनी है। इसके लिए जो वीडियोज हैं वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन दबा रखा है तो जैसे ही कंप्यूटर फंडामेंटल के कोई वीडियो डलता है तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी। अगर आपने नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए। ये आपकी यूनिट नंबर 2 है जो आपके सेकंड इंटरनल टेस्ट में आएगी, DOS एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है, लिस्ट ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज, देन टाइप्स ऑफ कमांड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स, डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, लिस्ट द फीचर्स ऑफ विंडोज, जो आपका डेस्कटॉप आता है उसके वेरियस फीचर्स क्या हैं, एंड कंपोनेंट ऑफ विंडोज, ये आपके हो गए 2.6 तक। लेकिन जो आपके आएंगे सेकंड इंटरनल एग्जाम में वो है 2.11, तो हम आगे देख लेते हैं। ये है 2.11 तक, स्टेट द मीनिंग ऑफ ए फोल्डर तक। तो इससे पहले फाइल, देन अंडरस्टैंड मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज बटन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ स्टार्टिंग ए प्रोग्राम यूजिंग स्टार्ट बटन, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज। तो ये 2.11 तक आपका सेकंड इंटरनल एग्जाम में आएगा। देन जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, पॉइंट नंबर 2.12, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ व्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव यूजिंग एक्सप्लोर ऑप्शंस। इसके बाद का ये जितना भी सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यूनिट नंबर 2 का, मींस अप टू 2.22,
इसके अलावा जो यूनिट नंबर 3 है फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट, जिसमें मीनिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंसेप्ट ऑफ लैन वैन, इंटरनेट इंट्रानेट, इस तरह के टॉपिक जितने भी हैं आपको, डीएनएस आईपी एड्रेस, ये सब यूनिट नंबर 3 में आपके होंगे। और यूनिट नंबर 4 जो आपकी होगी वो है अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी, जिसमें कि प्रोग्राम कैसे करते हैं, स्टेप्स कौन कौन से किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब यूनिट नंबर 4 के टॉपिक होंगे, जिसमें डिफरेंशिएट अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स, डेवलप अल्गोरिदम फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स, ड्रा द सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट्स, ड्रा फ्लो चार्ट्स फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की ये जो फ्लो चार्ट्स और अल्गोरिदम डेवलप करने का, प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है, वो आपका सब चैप्टर नंबर 4 में कवर करवाया जाएगा। और ये जो है 2.12 के बाद का जितना भी सिलेबस, थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट, ये सब आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, पूछे जाएंगे। सो ये था आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का पूरा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जाम्स में कितने तक आपका आएगा, कौन कौन सी यूनिट कौन से एग्जाम में आएंगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।